हेलो गैज, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और अभी मैं इस वक्त हूँ उड़ीसा के कटक स्टेशन के समीप, और मैं यहाँ इस अंबिका होटल रेजिडेंसी में ठहरा हुआ था, और अभी यहाँ से मैं सीधा कटक से पूरी कौन निकल रहा हूँ। फिलहाल यह सीन है, काफ़ी अच्छा होटल है, और कभी भी आप कटक आए तो यहाँ इस होटल पर ज़रूर रुके। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कटक स्टेशन से होते हुए पुरी की। और तो फिलहाल अभी मैं कटक स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं, और आप हमारे पीछे देखेंगे तो यह रहा कटक स्टेशन, और पहुंच गया हूं। और अभी बस कुछ ही क्षणों में ट्रेन आने वाली है। चलिए मैं ट्रेन बैठता हूँ, सारा कुछ दिखाता हूँ। और साथ ही गाइस, पुरी जाने के बाद मैं जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क और गोल्डन बीच के सारा सीन क्या रहता है सारा कुछ दिखाने वाला है। कटक रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं, और अभी तपस्विनी एक्सप्रेस जो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली हुआ अभी तक नहीं आई है, कुछ ही क्षणों में आने वाली। चलिए मैं दिखाता हूं। अभी पूरी स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं, आप यहां हमारे पीछे देखेंगे तो यह स्टेशन अभी पूरी स्टेशन पहुंच चुकी है। तो चलिए मैं आपको अभी पूरा व्यू पॉइंट दिखाता हूं पूरी का। तो गाइस, अभी मैं जगन्नाथ मंदिर के लिए निकल गया हूं, और अभी बस कुछ ही देर में हम जगन्नाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। मैं सबसे पहले देख मैं दिखा दूँ, या जगन्नाथ मंदिर के सामने का जो रोड है काफ़ी क्लीन है और ज़्यादा भीड़ भी है। चलिए मैं दिखाता हूँ सारा, देख सकते हैं कितना भीड़ है। और यहाँ से मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये रहा जगन्नाथ मंदिर, अभी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। चलिए और नज़दीक से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा जगन्नाथ मंदिर का प्रवेश द्वार, और अभी मैं चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जगन्नाथ मंदिर का जो एंट्री गेट है उसके अंदर आ चुका हूँ, और आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये रहा जगन्नाथ मंदिर का शीर्ष वाला भाग। और अभी हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, काफ़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो अभी ये लाइन आपको दिख रहे होंगे, ये लाइन बैग, मोबाइल और सारे जो आप सामान अपने साथ लेके आते हैं वह सब कुछ यहाँ रखाता है, जहाँ भीड़ आपको दिख रहा है। तो चलिए मैं अभी बैग रखूँगा, और जितने भी मेरे साथ जो सामग्री है उसको मैं यहाँ रखूँगा, उसके बाद फिर जगन्नाथ मंदिर अंदर जाके दर्शन करूँगा कि क्या कुछ रहता है। तो फिलहाल आप यहाँ से दर्शन कर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर में जाने के लिए उससे पहले यहाँ बैग या जो भी सामान आप अपने साथ लेकर आए हैं वह यहाँ रखना पड़ता है। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ लाइन लगे हुए हैं। चलिए अभी मैं बैग वगैरह मोबाइल वगैरह सब देखे अभी दर्शन करने जाऊंगा। वहां से आने के बाद वहां तो मोबाइल ले जाना प्रतिबंध लगा हुआ है, फिलहाल तो मैं वहां आकर मैं बताऊंगा कि कैसा क्या कुछ दर्शन होता है। इतनी सारी है
मैं जगन्नाथ मंदिर का पूरा दर्शन मैंने कर लिया है। और ये आपको दिख रहा होगा, ये प्रसाद के रूप में तुलसी पत्ता है, और ये आपको एक और प्रसाद के रूप में मिलेगा, वो है आपका खाजा का जो मिठाई होता है वो प्रसाद के रूप में आपको मिलेंगे यहाँ पर। इसके बाद मैं सीधा जा रहा हूँ कोणार्क मंदिर की ओर, और कोणार्क मंदिर में जाकर मैं सारा व्यू सारा पॉइंट दिखाता हूँ कैसा रहता है सब। जगन्नाथ मंदिर जाने के बाद, दर्शन करने के बाद, वहाँ कुछ दूरी में एक कन्हैया लाल मरांडी होटल है, शुद्ध शाकाहारी है, तो अभी मैं वहीं आया हूँ खाना खाने के लिए। ये देख सकते हैं कि ये खाना कैसा है, बताता हूँ खा के क्या। तो ये रहा जगन्नाथपुरी मंदिर के बगल का जो खाना है, यहाँ कैसा खाना मिलता है आप देख सकते हैं। ये है 60 रुपये का एक प्लेट चावल, जिसमें आपको एक पापड़, चावल, सब्जी, दाल और एक सब्जी, यानी इतना आइटम आपको 60 रुपये का मिल जाता है। तो चलो टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है टेस्ट। तो भोजन स्वादिष्ट भी काफ़ी अच्छा लगा हमको, और कॉस्टली है झारखंड के अपेक्षा। आप अगर यहाँ खाना खाओगे तो जो झारखंड में 30 रुपये लगती है वह यहाँ 60 रुपये लगाना पड़ रहा है। मैं भी खाना ठीक लगा है, और अब जगन्नाथ मंदिर का जो ब्लॉग है आप मैं समाप्त करता हूँ। और साथ ही यह ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक